चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश के नंबर वन न्यूज चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आज बात पुतिन के दोस्त लुकाशेंको की। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मॉस्को के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन अब से ठीक 10 घंटे पहले जो लुकाशेंको के साथ हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया सन्नाटे में आ गई। पश्चिमी मीडिया में लुकाशेंको को जहर देने की रिपोर्ट छपी। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल है कि लुकाशेंको को मारने से किसे फायदा होगा। बेलारूस के राष्ट्रपति को जहर, लुकाशेंको की हालत गंभीर। मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल में भर्ती। पुतिन से मीटिंग के बाद बिगड़ी तबीयत। लुकाशेंको के कत्ल की प्लानिंग किसने की? लुकाशेंको की मौत से किसको होगा फायदा? महायुद्ध के जलते शोलों के बीच लुकाशेंको को जहर देना कई सवाल खड़े करता है। लुकाशेंको महायुद्ध में खिलाड़ी नहीं बल्कि पुतिन की वो पिच है जहां से कीव तक रूस लॉन्ग शॉट्स खेलता रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बहुत खास है। लुकाशेंको यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि बेलारूस में आज की तारीख में रूस का परमाणु जखीरा तक गोदामों में रखा गया है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बेलारूस में तैनात हैं। बेलारूस के रास्ते पुतिन यूक्रेन पर हमले करते रहे हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि आखिर कौन है लुकाशेंको का सबसे बड़ा दुश्मन जिसने मौत की सुपारी ली। इस सवाल की डिटेल में पड़ताल करेंगे। उसके पहले आशंका की सुई जहां जहां मुड़ रही है उसकी तलाश कर लेते हैं। लुकाशेंको को यूक्रेन से पुतिन का साथ देने पर धमकी मिली। लुकाशेंको को अमेरिका ने पुतिन का साथ देने पर देख लेने की धमकी दी। लुकाशेंको को ब्रिटेन ने पुतिन का साथ छोड़ने की सलाह दी। लुकाशेंको को जर्मनी ने भी रोकने की कोशिश की। लुकाशेंको को फ्रांस ने पुतिन से दूर रहने को कहा, लेकिन लुकाशेंको महायुद्ध में परछाई की तरह पुतिन के साथ खड़े हैं। बेलारूस की जमीन को पुतिन रूस की जमीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन को यह सुविधा इसलिए हासिल है क्योंकि लुकाशेंको पुतिन के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में इस वक्त ये सवाल उछाला जा रहा है कि लुकाशेंको की तबीयत उस वक्त कैसे बिगड़ गई जब पुतिन के साथ बंद दरवाजे के भीतर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि लुकाशेंको को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर लुकाशेंको को जहर दिया गया तो कब दिया गया, और बंद दरवाजे के पीछे किसने लुकाशेंको की जान लेनी चाहिए। इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि लुकाशेंको को जहर देने की पुष्टि अभी ना तो बेलारूस ने की है और ना ही रूस ने की है। बेलारूस के विपक्ष के नेता वाल्री तसेपल्को ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जहर देने की आशंका जताई है। बेलारूस के राष्ट्रपति को बचाने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी को शक न हो कि उनको जहर दिया गया है। राष्ट्रपति की हालत गंभीर है और विशेषज्ञों की देखरेख में उनके खून को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है, और उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाने की सलाह दी है। लुकाशेंको के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ समय से अफवाहों का बाजार गर्म रहा है। लुकाशेंको इस महीने की शुरुआत में भी रूस की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए मॉस्को पहुंचे थे, जहां पुतिन के साथ उनको लंच भी करना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से लुकाशेंको अचानक बेलारूस लौट गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लुकाशेंको इस दौरान काफी थके हुए लग रहे थे और उनके दाहिने हाथ में बैंडेज था। तब खुद लुकाशेंको ने कहा था कि मैं मरने वाला नहीं हूं दोस्तों, आपको आने वाले बहुत लंबे समय तक मेरे साथ संघर्ष करना होगा। अगर कोई सोचता है कि मैं मरने जा रहा हूं तो शांत हो जाओ।
लुकाशेंको खराब तबीयत से सिर्फ 3 दिन में उबर गए, लेकिन अब उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की खबर सामने आ रही है, वो भी तब जब पुतिन के साथ वो क्लोज डोर मीटिंग कर रहे थे। डेली मेल ने दावा किया है कि पहले से ही लुकाशेंको को जहर देने की आशंकाएं थी। इसकी वजह ये थी कि भले ही लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के समर्थक हैं, लेकिन रूस उनसे कहीं ज्यादा वफादार नेता को बेलारूस की सत्ता में देखना चाहता है, लिहाजा जहर वाले एंगल की पूरी पड़ताल बहुत जरूरी है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि लुकाशेंको पुतिन के नेचर के ही नेता माने जाते हैं, पुतिन की तरह ही सोच रखते हैं। 2 दिन पहले ही लुकाशेंको अपने परमाणु वाले बयान से दुनिया को चौंका चुके हैं। जो देश यूनियन स्टेट बेलारूस और रूस के साथ आते हैं उन्हें परमाणु हथियार दिए जाएंगे। ये बयान लुकाशेंको की पुतिन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है। लुकाशेंको ने खुद 4 दिनों पहले कहा था कि रूस ने उनके देश में परमाणु हथियारों की तैनाती को शुरू कर दिया है। इसी साल मार्च में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के तैनाती का ऐलान किया था। शीत युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस अपने परमाणु हथियारों को किसी दूसरे देश में तैनात कर रहा है। लुकाशेंको लंबे समय से रूस से परमाणु हथियारों की मांग कर रहे थे। हालांकि रूस ने दावा किया है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन नहीं है। दूसरे देश में तैनाती के बावजूद इन हथियारों की सुरक्षा और ऑपरेशन का जिम्मा रूस के हाथों में होगा। तब रूस ने अमेरिका को उदाहरण देते हुए कहा था कि उसने भी यूरोप के कई देशों में परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं। लुकाशेंको के इस तरह से पुतिन के साथ खड़े होने के बावजूद रूस की ओर लुकाशेंको की जान लेने के लिए जहर देने की बात सीधे गले नहीं उतरती। लेकिन सवाल तो बनता ही है, जब पुतिन लुकाशेंको से मिले उसके पहले लुकाशेंको के साथ कौन था? क्या कोई नेटो का एजेंट लुकाशेंको को जहर पिला गया? क्या कोई यूक्रेन का हिटमैन लुकाशेंको की जान के पीछे पड़ा है? क्या यूक्रेन के किसी युद्ध विरोधी गुट ने लुकाशेंको को मारने की प्लानिंग की? सारे सवाल अभी हवा में अटके हैं। शक की सुई जिधर घूम रही है उससे वायदे की बात सामने आती है, क्योंकि किसी के कत्ल में सिर्फ नाराजगी, गुस्सा या बेवफाई शामिल नहीं होती, बल्कि फायदा भी शामिल होता है। लुकाशेंको के रास्ते से हटने से रूस बेलारूस संबंध टूटने से सबसे पहले और सबसे ज्यादा फायदा यूक्रेन को होगा। लेकिन यूक्रेन का लुकाशेंको को जहर देने में कोई रोल है ये अब तक सामने नहीं आया है। दूसरी शक की सुई अमेरिका और नेटो की ओर मुड़ती है, जो लुकाशेंको से इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी चाहत पर ही बेलारूस में पुतिन परमाणु हथियार तैनात कर रहे हैं, जो नेटो और अमेरिका दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कैसे, ये समझने के लिए आपको बेलारूस का भूगोल समझना होगा, जिससे ये साफ होगा कि रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात होने का मतलब क्या है और कैसे ये हथियार यूक्रेन के लिए काल बन सकते हैं। बेलारूस की सीमा यूक्रेन से जुड़ी है। बेलारूस की राजधानी मिंस्क से यूक्रेन की राजधानी कीव सिर्फ 525 किलोमीटर दूर है, यानी पुतिन की मध्यम दूरी की मिसाइलें भी परमाणु बम कीव पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के भीतर गिरा सकती हैं। यूरोपीय संघ और नेटो के सदस्य देशों पोलैंड और लिथुआनिया के साथ भी बेलारूस की सीमा लगती है। इस वक्त पोलैंड नेटो देशों का हथियार यूक्रेन पहुंचने का सबसे अहम रास्ता है। पोलैंड के रास्ते पर रूस के रोड़े का मतलब होगा यूक्रेन की सप्लाई चेन का टूट जाना। पुतिन यही चाहते हैं, इसलिए बेलारूस में लगी रूस की परमाणु बम से लैस मिसाइलों का मुंह पोलैंड की ओर रखा गया है। रूस ने पिछले साल यूक्रेन में आक्रमण के लिए बेलारूस को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया था। कोई भी संप्रभु देश इससे ज्यादा क्या कर सकता है? लुकाशेंको भी यही कर रहे हैं। लिहाजा पुतिन के लुकाशेंको को जहर दिलवाकर मारने की कोशिश की पुष्टि कर पाना बहुत मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। उल्टे युद्ध की शुरुआत से पुतिन के करीबियों की मौत जिस तरह से हुई है, लुकाशेंको की मर्डर की कोशिश भी शायद उसी साजिश की अगली कड़ी है। पुतिन पर ये लुकाशेंको का भरोसा ही है कि वो मॉस्को में इस वक्त एडमिट है, जहां डॉक्टर भी रूस का, नर्स भी रूस की, और बाहर पहरा भी पुतिन के पहरेदारों का है।
दूसरी बात ये कि पुतिन के जिन करीबियों की युद्ध के दौरान हत्या की गई है वो सब पुतिन के लिए बहुत अहम थे। लुकाशेंको की तरह ही पुतिन के खास थे। इसी साल फरवरी में मरीना यानकिना नाम की रक्षा अधिकारी की मौत 16वें फ्लोर की बिल्डिंग की खिड़कियों से गिरकर हो गई। ये पुतिन की बहुत करीबी टॉप की अधिकारी थी। उसके पहले 26 दिसंबर 2022 को रूस के दिग्गज बिजनेसमैन और पुतिन के आलोचक पावेल एंटोव की होटल की खिड़की से गिरकर मौत हो गई। 19 जुलाई 2022 को एक्स्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक रहे यूरी वोरोनोव की मौत हो गई। यूरी वोरोनोव से पहले 6 बड़े रूसी बिजनेसमैन की इसी साल मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविल मग्नोव और यूरी वोरोनोव की तरह ही अलेक्जेंडर सुबोटिन, सरगई प्रोटसेन्या, व्लादिस्लाव अवायव, मिखाइल वॉटफोर्ड और अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं निकाला जा सकता कि जो कभी पुतिन के करीबी होते हैं बाद में उनकी संदिग्ध मौत हो जाती है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको सिर्फ पुतिन के पड़ोसी नहीं है बल्कि बेलारूस में लुकाशेंको का शासन भी मजबूत किले की तरह है। पुतिन कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि दोस्त को दगा देकर दौड़ते घोड़े की टांग पर गोली मारते। लुकाशेंको पुतिन की ख्वाहिश की पूर्ति करता है। ऐसा नहीं है कि बेलारूस में सिर्फ लुकाशेंको अकेले नेता है। बेलारूस में ही पश्चिमी देशों के समर्थक भी हैं। पश्चिमी समर्थक और बेलारूसी विपक्षी नेता स्वेतलाना तिखानोवस्काया ने बेलारूस में रूस के परमाणु बमों की तैनाती पर जो कहा उसे भी जरूर सुनना चाहिए। ये कदम न सिर्फ बेलारूस के जीवन को खतरे में डालेगा बल्कि यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा करेगा। ये कदम बेलारूस को रूस के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए बंधक बना देगा। बेलारूस इस वक्त रूस के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और बेलारूस रूस गठजोड़ से अमेरिका की CIA से लेकर ब्रिटेन की सरकार तक नाराज है। ऐसे में लुकाशेंको को जहर देकर मारने की कोशिश, पश्चिमी मीडिया वाली खबर कई आशंकाएं पैदा करती हैं जिनकी पुष्टि होना मुश्किल है। रूस ने यूक्रेन की राज